हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि क्लास टेंथ की साइंस की मार्किंग स्कीम पर एक वीडियो बना दो, तो आज की मेरी वीडियो उसी पर बेस्ड है। तो बच्चों, सीबीएसई ने साइंस के चैप्टर्स को मेनली 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं 5 यूनिट्स कौन सी हैं। फर्स्ट इज केमिकल सब्सटेंस, जिसमें से आपको 25 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। एंड सेकेंड इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें से आपको 23 मार्क्स का पेपर आएगा। थर्ड इज नेचुरल फिनोमिना, में से 12 मार्क्स का। फोर्थ इफेक्ट ऑफ करंट, में से 13 मार्क्स का। एंड लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से आपको सबसे कम मार्क्स का पेपर रहेगा, जस्ट 7 मार्क्स। क्लियर? सो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में आपको कौन से चैप्टर रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में बच्चों आपको केमिस्ट्री के ही सारे चैप्टर रहेंगे। आप एनसीईआरटी बुक में से देख सकते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर, या फिर कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हो सीबीएसई की, तो उसमें केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर दे रखे हैं फर्स्ट यूनिट में चैप्टर आएंगे आपके। आप स्क्रीन में देख सकते हो बच्चों, फर्स्ट यूनिट में चैप्टर रहेंगे केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, एंड लास्ट वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो बच्चों, फर्स्ट यूनिट में से आपको इस चैप्टर में से एग्जाम आएगा। सो इन शॉर्ट बच्चों, फर्स्ट यूनिट में आपको केमिस्ट्री के 5 चैप्टर रहेंगे, जिसमें से आपको 25 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो अब सेकंड यूनिट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें बच्चों आपको बायोलॉजी के चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो इसमें से आपको स्टूडेंट कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, 23 मार्क्स का। क्लियर? एंड थर्ड यूनिट हमारा क्या है, थर्ड यूनिट इज नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में कौन से चैप्टर रहेंगे, नेचुरल फिनोमिना में आपको फिजिक्स के 1-2 चैप्टर रहेंगे। रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर होगा कवर आपका इसमें से, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाला। एंड सेकंड वन इज ह्यूमन आई वाला चैप्टर, लिखा हुआ है ना फंक्शनिंग ऑफ लेंसेज ह्यूमन आई, इसमें से बोर्ड वालों ने हेडिंग नहीं डाला होगा, बट बच्चों इसमें से आपको एक फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर रहेगा और सेकेंड चैप्टर आपका कवर होगा ह्यूमन आई वाला। क्लियर? सो फोर्थ यूनिट हमारा इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है बच्चों, इसमें से आपको वो करंट वाला चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला। एंड सेकंड चैप्टर रहेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला। सो फोर्थ यूनिट में से आपको 2 चैप्टर में से एग्जाम आएगा, इफेक्ट ऑफ करंट में से और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से। ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, जिसमें आप ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वगैरह रीड आउट करते हो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में से देख सकते हो। क्लियर? तो इसमें से आपको कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, 13 मार्क्स का एग्जाम आएगा। क्लियर? सो लास्ट यूनिट इज नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें आपको सबसे कम मार्क्स का एग्जाम आएगा, यस 7 मार्क्स का। तो आपने इस यूनिट की और तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने अपने पहले जो 4 यूनिट है उसको अच्छे से कवर करना है, जिसमें से आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपको बच्चों रहेंगे 3 चैप्टर, रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, पावर, एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपकी यूनिट बुक में से लास्ट वाले चैप्टर है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये थी क्लास टेंथ की साइंस की मार्किंग स्कीम, जो बच्चे 2020 में अपीयर होने वाले हैं एग्जाम में, उन बच्चों के लिए। क्लियर बच्चों? तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम ओवरऑल कंसिडर करें, तो जो लास्ट वाला यूनिट है उसमें तो आपने इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि 7 मार्क्स का एग्जाम आएगा। और जो ये आपका थर्ड और फोर्थ वाला यूनिट है फिजिक्स से रिलेटेड, इसमें से बच्चों आपको ज्यादा पेपर आने वाला है, मतलब पेपर ज्यादा हम कह नहीं सकते, वैसे 1-2 मार्क्स का ही फर्क है एज कम्पेरेटिव टू फर्स्ट और सेकंड यूनिट। फिर भी क्योंकि थर्ड और फोर्थ यूनिट में 2-2 चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर हो जाते हैं, थर्ड यूनिट में आपके 2 चैप्टर है और फोर्थ यूनिट में आपके 2 चैप्टर है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें 25 मार्क्स एग्जाम रहेगा, मीन्स 4 चैप्टर में से 25 मार्क्स का आपको पेपर रहेगा। और ऐसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट यूनिट में 25 मार्क्स है, बट इसमें से आपको 5 चैप्टर रीड आउट करने पड़ेंगे। सिमिलरली सेकेंड यूनिट जो बायोलॉजी का चैप्टर था, इसमें से आपको 4 यूनिट में से 23 मार्क्स का आएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स में पेपर ज्यादा है, बट ज्यादा ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 1-2 मार्क्स का ही फर्क है। ठीक है,
सो मेनली आपको फर्स्ट फोर यूनिट जो है आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट तो वैसे भी जनरल नॉलेज का ही एक यूनिट है, क्लियर। और हाँ बच्चों, अगर आपने साइंस के पेपर पैटर्न के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख कर देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क में से कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे आपके, किस में से रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। वो एक बार जरूर देख लेना एग्जाम्स जाने से पहले, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी और वीडियो चाहिए हो, आपको कोई भी अपडेट चाहिए CBSE रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो ठीक है बच्चों, फिर आप अच्छे से पढ़ाई करना, अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट मत करना, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप अच्छे से अपनी बुक को रीड आउट करो, सिलेबस को देखो, सिलेबस के रिलेटेड हर एक टॉपिक को डीपली रीड आउट करो, आपका पेपर हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 95% प्लस ही आएंगे आपके मार्क्स, अगर आप अच्छे से अपने सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को डीपली पढ़ोगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, बी कूल एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, क्लियर।